देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं भी बोल रही हूँ, हर किसी से भी परेशान हूँ। मेरे सहारा चलेगा? ये गुरुजी ने मैंने गुरुजी सामने लेटर कलेक्टर को लिखे थे। मौजूदा एचएम साहब ने सर्टिफिकेट दिए थे पर काम कर रहा हूँ। इसके बाद जो है हमारे कलेक्टर साहब को क्या है बालना का है, उनके अपार्टमेंट ऑर्डर लेटर है। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम आपकी आवाज़ में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, इससे खबर के मैं आज का प्रोग्राम का आगाज़ करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिटी इंडिया न्यूज़ की जानिब से ये जो आपकी आवाज़ प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है, इसमें आप अपने ज़िंदगी के मसाइल को अरबाब मज़ तक पहुँचा सकते हैं। जी हाँ, अगर आप महसूस कर रहे हो कि आपके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, सरकारी इदारों की जैसे महकमों की जानिब से आपके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, और अगर ये समझते हैं कि आप कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है और आपकी आवाज़ अरबाब मजाज तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये हमारा प्रोग्राम आपकी आवाज़ आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म होगा। जहां सिटी इंडिया न्यूज़ ने ये तैयार किया है कि आम आदमी की आवाज़ को अरबाब मजाज तक पहुंचाने के लिए हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम आपकी आवाज़ में आपके मसाइल को पेश करेंगे। आज मैं चनानगुट्टा हल्का असम्बली के बंडलगुड़ा मंडल के गवर्नमेंट हाई स्कूल में मौजूद हूँ। आज हमारे इस प्रोग्राम आपकी आवाज़ में हम एक ऐसी शख्सियत को आप इस पेश करना चाह रहे हैं जिनके मसाइल काफ़ी अहम हैं और हुकूमत की जानिब से बारह इनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के उनके मसाइल हैं और किस तरह उनके मसाइल को अनदेखा किया जा रहा है। नाज़रीन, मैं चंद्रनगुंडा हल्का असम्बली के बंडलगुड़ा मंडल में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल ईदी बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ जनाब जियानी खान साहब मौजूद हैं, जो इनकी वालदा की जगह इस मदरसे में काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक इनको आउटसोर्सिंग में कभी इनको जो है मुलाजमत नहीं दी गई। इनका कहना यह है कि इनसे कबल इनकी वालदा मोहतरमा जो आउटसोर्सिंग में बहसत प्यून जारूबकश इस स्कूल में काम करती थी, इनके वालदा की तवील खिदमत के बावजूद उनको मुस्तकिल तौर पर मुलाजमत नहीं दी गई और वो मरहुमा बहसत आउटसोर्सिंग मुलाजिम ही इंतकाल कर गईं। उस वक्त के सदर मदरिस ने इन्हें तयकुन दिया जिलानी खान साहब को कि आप अपनी वालदा की जगह काम कीजिए, हम कोशिश करके आपको अपनी आपकी वालदा की जगह मुलाजमत दिलवाएंगे। और जिलानी खान ने इसी आस में आज तक यानी कि 1996 से लेकर आज तक 2021 तक पूरे 24 साल का अरसा इन्होंने बिना तनख्वाह के इस मदरसे की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं, इसी आस में कि आज नहीं तो कल इन्हें इनकी नौकरी का तखरनामा इनको मिलेगा। यहाँ पर जितने भी असातिज़ा और प्रिंसिपल आते हैं वो सब हुकूमत को सिफारिश करते हैं, लेकिन हुकूमत महकमे तालीम है कि इनकी कोई बात नहीं सुनती। आइए ये दुख भरी दास्तान सुनते हैं जिलानी खान की ज़ुबानी। जिलानी साहब, बताइए कि आपकी वालदा का तखरुर इस मदरसे में बहसत आउटसोर्सिंग मुलाजिम कब हुआ? मेरी वालदा का जो तखरुर हुआ, फोर्थ क्लास के पोस्ट पर टेम्पररी अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मिला था 1971 से ड्यूटी किए उन्होंने और 1996 तक ड्यूटी करते रहे। उसके बाद जो है उनको परमानेंट नहीं हुई, 1996 में टेम्पररी ड्यूटी पर उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद से जो है हमारे स्कूल एचएम साहब बुला के बोले कि आपकी वालदा जो काम करते थे आप भी काम करो, आपको जो है नौकरी का ऑर्डर मिल जाएगा बोले। उस तारीख से 1996 से आज तक मैं जो है अटेंडेंट की वॉचमैन का काम कर रहा हूँ और मेरे को नौकरी का ऑर्डर नहीं है, तनख्वाह नहीं है। जितने भी एचएम आते 4-5 साल को लोग मेरे फेवर में लिख के देते कि इनको नौकरी का ऑर्डर नहीं है, तनख्वाह नहीं है, लिहाजा इनको अपॉइंटमेंट किया जाए। और मैं ख़ुद भी हर 6 महीने साल को जो मैं अपनी तरफ से दरख्वास्त देता था कि मेरे को नौकरी नहीं है, तनख्वाह नहीं है, नौकरी का ऑर्डर नहीं है, मेरे को अपॉइंटमेंट दीजिए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मैजिस्ट्रेट, डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्ट, एजुकेशन मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, सीएम ऑफिस और गवर्नर राजभवन, इतनी जगह में दरख्वास्त 24 साल से देते हूँ काम करते हुए, मेरे को जो है कोई सुनवाई नहीं हुई। अब मेरे हालत ये है कि बहुत परेशान तकलीफ में हूँ। मेरी जो है पीपरमेंट चॉकलेट की दुकान थी वो बंद हो गई है। वो दुकान रहने से मेरे को घर का खर्चा चलता था, महाना 2000 रुपये मेरे को दवा को मिलते थे, क्योंकि मेरा 5 मरतबा हार्ट का ऑपरेशन हुआ, रेट की हड्डी का ऑपरेशन हुआ, पैर को फालिश काटेगा, मैं पैर से माजून होगा। इस वक्त मेरे को जो ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई सहारा नहीं है, कोई आमदनी का ज़रिया नहीं है। अब मेरी गुजारिश है
गवर्नमेंट एजुकेशन ऑफिसर से, एजुकेशन मिनिस्टर से, सीएम चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट तेलंगाना केसीआर साहब से कि मेरे को गवर्नमेंट हाई स्कूल ईद बाज़ार पर फोर्थ क्लास के पोस्ट पर टेम्पररी अपॉइंटमेंट दीजिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी गुजारने के लिए मुझे मदद मिल जाएंगी। और साथ ही साथ हमारे अकबरुद्दीन एमएलए अकबरुद्दीन नवीसी साहब, असदुद्दीन नवीसी साहब से, एमपी असदुद्दीन साहब से मेरी गुजारिश है कि मेरे गवर्नमेंट हाई स्कूल ईद बाज़ार पर फोर्थ क्लास के पोस्ट के लिए मेरी मदद कीजिए, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी, आपको मैं शुक्रगुजार रहूँगा। देखिए जनरल खान साहब, अगर आपको यहाँ पर किसी किस्म की तनख्वाह नहीं मिल रही तो फिर आपकी खिदमत यहाँ रायगा हो रही हैं, तो फिर क्यों आप इस मदरसे में इतने तवील अरसे से खिदमत अंजाम दे रहे हैं? सर, मेरी मरहूम वालदा भी काम करते थे और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मेरे को जो है इस स्कूल में नौकरी मिले, क्योंकि मेरी मरहूम वालदा बोलते थे चाहे काम 1 लाख का हो 1 रुपये का हो, अपना जो ईमानदारी और सच्चाई से काम है कर देना। उस मेरी माँ की बात पे मैं सुना, और एचएम भी जो है मेरे को बोले थे समझाए कि आपको नौकरी मिल जाएगी, इसी आस के बिना पर मैं आज तक काम कर रहा हूँ। मदरसे के दीगर असातिज़ा और यहाँ के तलबा से कुछ आपको तावन हासिल होता है महाना असास पर, या कभी कोई तावन हासिल होता है? नहीं नहीं साहब, कुछ 1 रुपया भी नहीं मिलता मेरे को। कभी कभार टीचर 100-200 देते, अब वो हर वक्त तो नहीं देते लोग, उनके अब 100-200 देने से अब वो हमेशा तो नहीं देते कोई, इसीलिए मेरे को चाहे मैं नौकरी मिल गई तो मेरे को ज़िंदगी गुजारने को जो आस हो जाती, मदद मिल जाती मेरे को, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ कि 24 साल गुजर गए, मैं कहाँ जाऊँ, दूसरी तरफ कैसा नौकरी कर सकता हूँ मैं, इसलिए मेरे को गवर्नमेंट से गुजारिश है, हमारे एजुकेशन गवर्नमेंट एजुकेशन ऑफिसर से और एजुकेशन मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट तेलंगाना केसीआर साहब से कि मेरे को जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल इधर पर फोर्थ क्लास के पोस्ट पर टेम्पररी अपॉइंटमेंट आर्डर दे दिए, तो बड़ी मेहरबानी होंगी उनकी। तो आपने देखा कि किस तरह एक शख्स अपनी माँ की ज़ुबान को कायम रखने के लिए पिछले 24 साल से इस मदरसे की खिदमत कर रहा है, लेकिन अरबाब मजाज हैं कि इसकी इस शख्स की अजीम खिदमत को जो सो नज़रअंदाज कर रही हैं। इस शख्स का मुतालबा यह नहीं कि इसके मुस्तकिल मुलाजिमत दी जाए, इस शख्स का मुतालबा यह है, जिलानी खान साहब का मुतालबा यह है कि कम अज़ कम आउटसोर्सिंग में इन्हें फोर्थ क्लास एम्प्लाई यानी कि एक अटेंडर के ओहदे पर इनका तकर्रुर किया जाए ताकि इनकी ज़िंदगी का गुजर बसर हो सके। इतने अजीम खिदमत के रखने के बावजूद जिलानी खान आज हुकूमत की सरपरस्त महरूम हैं, ये एक सवाल निशान है हुकूमत पर और महकमे तालीम पर, जिसने एक शख्स की 25 साल खिदमत लेने के बावजूद भी उसको उसका अजर नहीं दिया, उसकी उजरत नहीं दी। सिटी इंडिया न्यूज़ इसी तरह के मसाइल को आपके रूबरू पेश करती रहेगी। नाज़रीन, मैं आपको एक बार और कहना चाहता हूँ कि आप भी कुछ इस तरह के मसाइल से दो चार हैं तो ज़रूर आप हमें नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर रब्त करें और अपने मसाइल को हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज़ के ज़रिए अरबाब मजाज तक पहुँचाएँ। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद जमील अहमद के साथ मैं एडिटर सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद तकी हुसैन, सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।